किया जाए। अगर बीजेपी कठिन काम देने के लिए फोन करा है, राम जन्मभूमि का राम लल्ला के मंदिर का केस चलने आया है, इसका अनुवाद करना है। योगी जी ने तब से कहा कोई काम कठिन नहीं होता है अध्यक्ष जी, अगली मुदत के पहले हो जाएगा और 6 माह के अंदर पूरा अनुवाद करकर सर्वोच्च अदालत के सामने रखा। मगर कांग्रेस पार्टी इसके नेता कपिल सिब्बल, उन्होंने सर्वोच्च अदालत को कहा कि 19 के बाद सुनवाई करिए, फिर भी सुनवाई होने लगी। सर्वोच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ इम्पीचमेंट लगाया गया और राम मंदिर को लेट करने का काम इस सपा बसपा कांग्रेस ने मिलकर किया। मित्रों, आज इस मन से मैं राहुल बाबा को, अखिलेश जी को, बहन मायावती को पूछना चाहता हूं कि आप उत्तर प्रदेश और देश की जनता के सामने स्पष्ट करिए कि अयोध्या में जहां से राम का जन्म हुआ था वहां राम जन्मभूमि मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, इसकी स्पष्टता कांग्रेस पार्टी ने करनी चाहिए। मुझे बताओ कार्यकर्ता भाइयों को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, पीछे तो करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वो करे न करो मैं कर देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि वही भव्य गगन चुंबी राम मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द हो, इसलिए हम सब संकल्प करते हैं। की सुरक्षा गठबंधन जो इकट्ठा हुआ है, सपा बसपा कांग्रेस ममता डीएमके कम्युनिस्ट, इस सारे मोदी जी के डर से इकट्ठा हुआ। 15 साल तक दो पीढ़ी तक एक दूसरे के मुंह न देखने वाले आज एक दूसरे को हाथी और साइकिल की भेंट दे रहे हैं। मोदी जी का डर ऐसा हुआ है कि उनको इकट्ठा होने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अगर कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आप गठबंधन की चिंता न करो, मुझे दिखा भैया जिसका हो गया वो फोटोग्राफर बैठ जाए जरा, फोटोग्राफर बैठ जाए जरा, फिर बैठ जाइए, फिर बैठ जाइए। आप गठबंधन की चिंता न करिए, मुझे बताओ ये देवगोड़ा जी लखनऊ में आएंगे कोई फर्क पड़ेगा क्या, जोर पड़ेगा क्या, ममता दीदी काशी में आएगी कोई फर्क पड़ेगा, चंद्रबाबू मिर्जापुर में आएंगे कोई फर्क पड़ेगा, ये स्टालिन आकर जौनपुर में सभा करेंगे कोई फर्क पड़ेगा। ये सारे लोगों को भारतीय जनता पार्टी अपने अपने राज्य में चुनाव हराकर 2014 में सत्ता पर आई है। मित्र सारे लोग, और जहां तक सपा बसपा का सवाल है, मैं यूपी का चप्पा चप्पा जानता हूं। मैंने आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर 2014-17 के चुनाव लड़े हैं। मुझे आप लोगों पर भरोसा है, सिर्फ सपा बसपा नहीं, सपा बसपा कांग्रेस अजीत सिंह जिसको इकट्ठा होना है वो होगा। भारतीय जनता पार्टी 51% की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और मित्र, मई अंत में जब निकले भूलेंगे सुबह 9 बजे पहला राउंड समाप्त, 10 बजे दूसरा राउंड, 11 बजे तीसरा राउंड, 12 बजे पांचवा राउंड, 1 बजे मतगणना समाप्त, 1 बजे गठबंधन का खेल समाप्त। उत्तर प्रदेश, आज मैं यूपी की पूरी जनता को बताना चाहता हूं, मैं जब 70 से ज्यादा सीटें आएगी कहता था सब हंसते थे, 300 सीटें आएगी कहता था तब भी ये मीडिया मेरा मुखौटा उठाता था। आज मैं कहता हूं 2019 में उत्तर प्रदेश में 73 से ज्यादा 74 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का विजय होना सुनिश्चित। भारतीय जनता पार्टी ने ये उत्तर प्रदेश को, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को निजामों से मुक्त कराया है। अब मैं निजाम कहता हूं तो मतलब बादशाहों से नहीं है भाई, यहां नसीमुद्दीन एन इमरान आई
अफजल एक, आजम एक और मुख्तार एम। इन निजामों का राज्य था। एक मुआ भतीजा को कहने के मुख्यमंत्री थे, इन निजाम जब जाते थे खड़े होकर पलक पावड़े बिछा देते। जनता क्या ही चाहिए, गुंडे पुलिस से डरने चाहिए। पुलिस गुंडों से डरती थी, हमने योगी जी को सबने मिलकर चुना, योगी जी मुख्यमंत्री हुए। आज गुंडे पूरे यूपी से पलायन कर रहे हैं। निजाम की जगह जनता का राज लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो न जाने कितनी भूमि को भारत का सब